हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं M500 एंड डिजा डिगल से शॉर्ट रेंज में वन टैप हेडशॉट कैसे मारे। लॉन्ग रेंज या मिड रेंज में तो आप लोग बहुत अच्छे से वन टैप हेडशॉट मार लेते हो, बट एनिमी अगर शॉर्ट रेंज में आ जाए तो आपका एक भी गोली हेड में कनेक्ट ही नहीं कर पाते हो। ये चीज़ ना मोबाइल प्लेयर के साथ बहुत ज़्यादा ही होता है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। देन आप लोग ये टिप्स एंड ट्रिक्स सही से फॉलो करोगे तो ना ओपी से वन टैप मारोगे ना लाइक राइस्टार, व्हाइट एफ एफ, पगल M10 के जैसे शॉर्ट रेंज में गॉड लेवल ओवर पावर वन टैप हेडशॉट मार पाओगे, वो भी आपके मोबाइल में। सो फ्रेंड्स, ये मेरा पहला वॉइस ओवर हो रहा है तो कुछ भी गलत लैंग्वेज बोल दूंगा तो मुझे माफ़ कर देना मेरे भाई। सो टिप्स एंड ट्रिक्स में जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। सो हमारा पहला टिप्स है गेम के कुछ ऐसे सेटिंग के बारे में। गेम का सेटिंग वन टैप हेडशॉट मारने में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सेंसिटिविटी जनरल को आप लोग कर लो 100 में और रेड डॉट को 90 से ऊपर रखने की कोशिश करो। मैं तो हमेशा रेड डॉट को 95 करके रखता हूँ। सबसे पहले गेम का ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है वन टैप हेडशॉट मारने में। जब भी आप लोग वन टैप हेडशॉट मारने जाओगे आपका ग्राफिक्स हमेशा अल्ट्रा में होना चाहिए, वरना आपका हेडशॉट उतने अच्छे से नहीं लगेगा। मैं बात कर रहा हूँ 4GB रैम से ऊपर तक मोबाइल का, और जिन लोगों के पास 2GB 3GB रैम वाला मोबाइल है उन लोगों से मैं बोलना चाहूँगा, आप लोगों का ग्राफिक्स स्मूथ या स्टैंडर्ड में ही रहने दो। अगर ग्राफिक्स को अल्ट्रा में करोगे तो बहुत ज़्यादा लैग करेगा। मैं जो टिप्स एंड ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक को आप जरूर से फॉलो करना। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की ओर, फायर बटन की साइज। मेरे हिसाब से 45 से 50 इज द बेस्ट फायर बटन साइज इन द फ्री फायर गेम। फायर बटन की साइज ज़्यादा बड़ा रखोगे तो रोटेशन ड्रैग अच्छे से नहीं कर पाओगे। आपका फायर बटन की साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसको आप लोग धीरे धीरे कम करने की कोशिश करो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, परफेक्ट एम। डिजा डिगल एंड M500 से शॉर्ट रेंज में वन टैप हेडशॉट मारना चाहते हो तो आपका एम या रेड डॉट जो भी बोल सकते हो उसको सही पोजीशन में रखना पड़ेगा। ये गेम प्ले देख रहे हो, ये मेरा ही गेम प्ले है। मैं पहले एम को सही जगह पे सेट कर रहा हूँ, उसके बाद सीधा हेडशॉट मार रहा हूँ। हेडशॉट मारने से पहले मैं एक सिंपल सा एक जंप ले रहा हूँ ताकि मैं अपना एम को सही जगह पे सेट कर पाऊँ। आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं शॉर्ट रेंज में वन टैप हेडशॉट मारने के लिए आपका एम या रेड डॉट जो भी बोल सकते हो उसको हमेशा व्हाइट पे रखना है, एम को व्हाइट पे रखना है। एम को व्हाइट रखोगे तो क्लोज रेंज में बहुत ओपी वाला वन टैप हेडशॉट मार सकते हो। आपको ये बात बता देता हूँ मैं कि आपको एम रखना है एनिमी के पैरों के नीचे, व्हाइट करके एम को हमेशा रखना है। एनिमी के लेफ्ट या राइट साइड में भी एम को रख सकते हो, लेकिन एम को हमेशा व्हाइट पे रखोगे। एम को व्हाइट रखने से क्लोज रेंज में बहुत अच्छे से वन टैप हेडशॉट लगता है। मैं बता दूँ आप लोगों को ड्रैग कैसे करना है। देखो, एनिमी अगर एनिमी जिस तरफ होगा उस तरफ आपको ड्रैग करना है। एनिमी अगर राइट साइड में होगा तो आपको राइट साइड की ओर रोटेशन ड्रैग करना पड़ेगा। अगर एनिमी लेफ्ट साइड होगा तो आपको लेफ्ट साइड रोटेशन ड्रैग करना पड़ेगा। उससे पहले अपना एम को सही पोजीशन में रखना होगा। सही पोजीशन में एम को रखने के लिए आपको लेना होगा एक सिंपल सा जंप। एक जंप लेके अपना एम को सीधा कर सकते हो, सही पोजीशन में अपना एम को रख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मेरा एक गेम प्ले देख लो। इधर मैंने अपना एम को एनिमी के पैरों के नीचे वाइट करके रखा, उसके बाद राइट साइड की ओर रोटेशन ड्रैग किया तो सीधा एनिमी को ऑटोमेटिक हेडशॉट पड़ गया। ये टिप्स एंड ट्रिक आप लोग जरूर से जरूर यूज करना। प्रैक्टिस के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड तो है ही, ट्रेनिंग ग्राउंड में अच्छे से प्रैक्टिस करना। पहले पहले आपका वन टैप हेडशॉट उतने अच्छे से नहीं लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस करते करते बहुत अच्छे से वन टैप मार पाओगे। आज का टिप्स एंड ट्रिक वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।